कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से दिन प्रतिदिन लॉकडाउन का समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच कई त्यौहार भी गुजरे जैसे शब बारात और नवरात्र, लेकिन सभी कम्युनिटीज ने मिलकर लॉकडाउन का पालन किया और किसी भी तरह से पूजा पाठ या इबादत के लिए मंदिर व मस्जिदों का रुख नहीं किया। लेकिन इसी के साथ अब रमज़ान बिल्कुल आगमन पर है, जिसको लेकर संगम विहार थाना SHO विजय पाल जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके अंदर मस्जिदों के इमाम और मुस्लिम समुदाय से मौजूद लोगों को बुलाकर उनके साथ बातचीत की, जिसमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए इस पर बातचीत हुई कि कैसे आने वाले रमज़ान में लोगों को अपने अपने घरों में ही इबादत करने के लिए जागरूक किया जाए। पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने व इमामों ने इस बात पर समर्थन दिया कि वो प्रशासन का पूरा साथ देते हुए अपनी अपनी मस्जिदों को बंद रखेंगे व अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे कि वो अपने अपने घरों में ही इबादत करें, रमज़ान में इबादत के लिए तरावी के लिए मस्जिद की तरफ ना आए। और इस बात पर फैसला कामयाब रहा कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे और मस्जिदों की तरफ कोई रुख नहीं करेगा। इस पूरे मामले पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक धूसिया जी ने संगम विहार थाना SHO विजय पाल जी से बातचीत की। आइए देखिए क्या है पूरा मामला। सर, आज आपने सारे इमामों की मीटिंग भी बुला ली, रमज़ान शुरू होने वाले हैं और त्योहारों का माहौल शुरू होने वाला है मुसलमानों के लिए, आज आपने सबकी मीटिंग भी बुला ली और उन्हें समझा भी दिया, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें जैसे आपने बोली हैं क्या उस हिसाब से हो पाएंगी? जी, मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक तो जो भी पिछले एक महीने में जो भी इंस्ट्रक्शन जो है पास ऑन करी गई, उनका पूरी तरह से पालन हुआ है। जैसे शब बारात में भी कोई भी गैदरिंग, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का अवेलना नहीं की गई। मुझे पूरा यकीन है कि रमज़ान के महीने में भी इसी तरीके से लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाएगा। आप इन सारे लोगों से मिले, आपको क्या आश्वासन इनकी तरफ से मिला कि क्या मतलब किस तरह से आपके आदेशों को कैसे पालन किया जाएगा? सभी ने यही आश्वासन दिया है कि सबसे पहले हमारी लड़ाई जो है इस बीमारी से और वायरस से है, बाकी चीज़ें हमारी बाद में आती हैं। हम श्रद्धा और कोई भी भगवान की अल्लाह की इबादत अपने घर से भी कर सकते हैं, जब अगर ऐसी मजबूरी है तो। हम सब जो है, सभी लोगों ने यही बताया कि वो इस चीज़ को मदद करने के लिए तैयार हैं, अपने घरों से ही इबादत करेंगे। सर, बहुत सारे लोगों की शिकायतें ये हैं कि उनकी गली में, मोहल्ले में, चौराहों पर लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आजकल खाली भी हैं, सारा दिन बोर होते हैं और लड़के जाके गलियों के किनारों पर बैठ जाते हैं, उसको किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं? उनको हमने हैंडल करने के लिए एक तो पेट्रोलिंग हमारा स्टाफ भी है और कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, उनकी मदद से उनको समझाया भी जाता है बार बार, और जो नहीं मानते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है हमने। और मुझे यकीन है कि हम पेट्रोलिंग के द्वारा ही और लोगों के सहयोग से उनको भी रोक सकते हैं। सर, अभी क्या परिस्थिति है आपके आपके क्षेत्र में, जितना एरिया है उसमें क्या कैसी परिस्थिति? अभी परिस्थिति बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। सारे इलाके में जो सब्जी मंडियां थी उनको हटा करके रेहड़ियों से सब्जी जो है मतलब इलाके में रिक्शा के सहारे बेची जा रही है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप हो जाती है। सब्जी मंडी में भीड़ भाड़ हो जाती थी, उनको जो है लोगों को हमने सलाह दी कि आप इस तरीके से गलियों में जाकर बेचो, और वो मान रहे हैं इस बात को। सर, एक संदेश ऐसा दे दीजिए उन लोगों के लिए जिनको आपने यहाँ बुलाया था, उनके उनको मानने वाले जो लोग घरों पर बैठे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से ये बातें उन तक पहुँचेगी जो आप बोलेंगे। मैं सभी निवासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि हमें ये जो बुरा वक्त जो चल रहा है, पूरा संसार इससे ग्रसित है, और हम सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और सरकार का जो कहना है उसी से इसका हम काउंटर कर सकते हैं, उसका हम पालन कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी हैं, हम सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो हम सभी भली भांति पहले की तरह सब कुछ मनाएंगे, त्यौहार मनाएंगे, मिलेंगे, मंदिरों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे। तो हमें इस बुरे वक्त में एकता बनाए रखनी है और जो भी ऊपर से आदेश मिलते हैं उनका पालन करना है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो ये थे SHO संगम विहार थाने से, और इन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी यहाँ पे सारे मस्जिद के इमामों की, क्योंकि आप जानते हैं कुछ ही दिनों में रमज़ान शुरू होने वाले हैं, और उस रमज़ान में मस्जिदों में भीड़ ना पहुँचे, वो नमाज़ पढ़ने वाले मस्जिदों की तरफ कूच ना करें, उसको रोकने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि अपने घरों से नमाज़ पढ़ें, घरों से इबादत करें, उसके लिए SHO साहब ने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, और सभी इमामों को इसके तहत समझा दिया गया, और इमामों का बहुत सपोर्ट इसमें मिला है। उन सब ने ये कहा है, एक आवाज़ में कहा है कि मस्जिदों में भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। जो लोग वहाँ के होते हैं, जो वहाँ काम करने वाले होते हैं, जो इमाम होते हैं, जो नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं, केवल वही अंदर रहेंगे, कोई भीड़ मस्जिदों में नहीं लगने दी जाएगी, भीड़ को मस्जिदों की तरफ कूच नहीं करने दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट मस्जिदों की तरफ से भी होगी, समाज संवाद भी रिक्वेस्ट करता है, और SHO साहब ने भी अभी रिक्वेस्ट की है इसी के लिए कि अपने घरों में इबादत करें, मस्जिदों की तरफ कूच ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे समाज संवाद, कैमरामैन चांद आलम के साथ मैं दीपक बिजलाल, नमस्कार।